बात जरा उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं कि कैसे ये जो नतीजे आए हैं वहां पर अब बाकी राज्यों में भी कैसे हलचल बढ़ गई है। तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के पास लगा दिया गया है मोदी हटाओ योगी लाओ के नारे वाले होर्डिंग्स लगाए गए हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश नव निर्माण सेना ने ये पोस्टर्स लगाए हैं योगी नहीं तो वोट नहीं के नारे वाली होर्डिंग लगते ही आनन फानन में नगर निगम ने इसको हटवाया है। पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज को लेकर के उत्तर प्रदेश नव निर्माण सेना के खिलाफ हजरतगंज थाने में FIR भी दर्ज करवाई गई है। देखिए कैसे ये लिखा है ऊपर धर्म संसद और उसने इसके बाद लिखा है यही वो पोस्टर है जिसको हटवा भी दिया गया है क्योंकि जुमलेबाजी का नाम मोदी हिंदुत्व का ब्रांड योगी। तो कैसे योगी वर्सेस मोदी को यहाँ पर करवा दिया गया। लखनऊ में इस तरीके के पोस्टर्स लगे हुए जिसमें आप साफ तौर पर देख भी पा रहे हैं कि कैसे साफ ये लिखा हुआ है कि मोदी हटाओ योगी लाओ और देश बचाओ ये इस तरीके के। हालांकि जो ये पोस्टर ये हटवा दिया गया है और केस भी दर्ज कर लिया गया है नवनिर्माण सेना जिन्होंने लगाए थे ये पोस्टर इसको हटा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पोस्टर वाकई एक तरीके से इस बात की ओर क्या इशारा करते हैं कि BJP के अंदर भी अब बहुत सारी हलचलें नज़र आ रही है। फिलहाल ये पोस्टर इस वक्त लखनऊ से। तो कैसे जो चुनावों के नतीजे आए उसके बाद दूसरे राज्यों में भी हलचल बढ़ चुकी है और ये हलचल इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 की जंग अभी बाकी है और ऐसे में देश क्या सोचता है ये हर कोई जानना चाह रहा था और इसीलिए इसको सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा था कि कम से कम एक मूड को भापा जा सके। हालांकि वो बात अलग है कि विधानसभा चुनाव थे, विधानसभा चुनावों में मुद्दे अलग होते, विधानसभा चुनावों में जो बातों का अंदाज होता है वो अलग होता है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ये BJP के लिए चिंता बढ़ाने वाला है क्योंकि BJP भी कहीं ना कहीं इस बात को मान रही थी कि राजस्थान में जो एक ट्रेंड रहा है अगर वही बरकरार रहता है तो हम सत्ता में नहीं आएंगे। लेकिन जो कुछ छत्तीसगढ़ में हुआ वो शायद जो अनएक्सपेक्टेड था इसको शायद वो नहीं मान के चल रहे थे और वहीं मध्य प्रदेश में जो हुआ एक बड़ा अनुमान वहाँ पे भी हालांकि लगाया गया था लेकिन वो अनुमान भी चल नहीं पाया। 15 सालों का एक जो प्यार और लगाव था वो कैसे छूटा, हाथ का साथ मिला, कमल नहीं खिल पाया। तो इस बीच आपको बता दें कि जयपुर में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक चल रही है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत या कोई और नाम इसको लेकर के इस वक्त सुर्खियां तेज हैं। शाम 5 बजे तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में रात 8 बजे विधायक दल की बैठक होगी, कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होगी। इधर मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो राजभवन पहुंचे हुए हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए कमलनाथ। विशाल रघुवंशी हमारे साथ ही ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से। विशाल मुझे ये बताइए कि पोस्टर किन्होंने लगाए हैं, क्लियर है इसका मकसद क्या है? देखिए इस तरह का जो स्टैंड है पब्लिसिटी स्टैंड के तौर पर पोस्टर को देखा जा रहा है क्योंकि परमिशन भी नहीं ली गई इसकी नगर निगम की, ऐसे में नगर निगम ने पोस्टर जो है वो हटा दिए। साथ ही साथ अमित जानी इससे पहले भी विवादों में रहे हैं और जब बसपा की टीमों मायावती की जो मूर्ति तोड़ी गई थी लखनऊ उसने भी उनके खिलाफ FIR दर्ज की, उन्होंने ही मूर्ति तोड़ी थी और ऐसे में अभी फिलहाल बिना परमिशन पोस्टर लगाने के खिलाफ उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है नगर निगम की तरफ से। और चूंकि ये कहा जा रहा है कि ये पोस्टर से विवादित जो एक कह सकते हैं कि दरार है वो दिखाया गया है FIR में, कहा गया है कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए उन्होंने ये किया है और फिलहाल लखनऊ के ही थाने में FIR जो है दर्ज हो गई उनके खिलाफ और नगर निगम में वो जो पोस्टर है उसको हटवा भी दिया गया है। पोस्टर में ये कहा गया है कि योगी को लाओ मोदी को हटाओ, तो इस तरह का जो पोस्टर है उसका पार्टी से कोई लेना नहीं है, पार्टी ने इस बात को साफ कर दिया है और नव निर्माण सेना की तरफ से पोस्टर फिलहाल अमित जानी ने लगवाया था जिसको नगर निगम की। बिल्कुल विशाल, मैं आगे अपडेट आपसे लूंगी, फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नव निर्माण सेना के खिलाफ हजरतगंज थाने में FIR भी दर्ज करवाई गई और इन पोस्टर्स को हटा लिया गया है।